हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू झारखंड लाइव झारखंड नंबर वन यूट्यूब एस्टी चैनल दोस्तों आज है आठ जुलाई और हम लोग यहां पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं दोस्तों सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बे लाइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर छः बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है तब इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आप वहाँ पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं डेली शाम के सात बजे वहाँ पर पी जो है कर दी जाती है तो आप पी टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज आठ जुलाई के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं और आज का यहां पर पहला प्रश्न है राज्य के कितने थानों में महिला सहायता डेस्क खोला जाएगा राज्य के कितने थानों में महिला सहायता डेस्क खोला जाएगा तो इसका सही आंसर जोगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा कुल तीन सौ थानों में महिला सहायता डेस्क खोला जाएगा कितने थानों में तीन सौ थानों में महिला सहायता डेस्क खोला जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा चलिए यहाँ पर ये यह महिला सहायता डेस्क क्या है इसके बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं झारखंड के तीन सौ थानों में महिला सहायता डेस्क खोला जाएगा राज्य में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार के मामले को सही तरीके से सुना जाए इसके लिए महिला सहायता डेस्क खोला जा रहा है निर्भया फंड की मदद से इस हेल्प डेस्क के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा राज्य में तीन सौ थानों में महिला सहायता डेस्क खोला जाएगा तो यहाँ पर महिलाओं की जो पीड़न होती है उन पर अत्याचार होता है उस मामले की सुनवाई यहाँ पर होगी उनकी तकलीफों को उनकी समस्याओं को सुना जाएगा चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर देश को प्रकृति का वरदान मुनगा पुस्तक का हाल ही में विमोचन हुआ है इस पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजीव लोचन है कौन है डॉक्टर राजीव लोचन है इस पुस्तक के लेखक तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा देश को प्रकृति का वरदान मुनगा पुस्तक का हल में विमोचन हुआ है और इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजीव लोचन ये डॉक्टर राजीव लोचन कौन है इनके बारे में चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं और इस पुस्तक के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रांची विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर राजीव लोचन की पुस्तक देश को प्रकृति का वरदान मुनगा का विमोचन किया गया है ठीक है इस पुस्तक में मुनगा की उपयोगिता को बताई गई है मुनगा के पत्ते में दूध से ज्यादा कैल्शियम केले से अधिक पोटेशियम और पालक से कई गुना अधिक आयरन होता है शरीर के लिए उपयोगी मैग्नीशियम जिंक आदि ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो मुनगा में नहीं है मुनगा के पत्ते फल फूल उसकी छाल और जड़ें भी यहाँ पर सभी उपयोगी होती हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा इस पुस्तक के लेखक कौन है डॉक्टर राजीव लोचन है और इस पुस्तक का नाम है देश को प्रकृति का वरदान मुनगा ठीक है चलिए अगले तो प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला तो प्रश्न है यहाँ पर केंद्र सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आई आई झारखंड के नई प्रशासनिक और अकादमिक भवन का नाम क्या रखा है ठीक है तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हाल ही में हजारीबाग में एक रया यहाँ पर स्थापना की गई है बरही में और उसकी यहाँ पर नामकरण किया गया है इसका नाम क्या रखा गया है तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है इसका नामकरण किया गया है तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारतीय क्रिश्चियन अनुसंधान संस्थान आईआरआई झारखंड के नए प्रशासनिक और अकादमिक भवन का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ पर रखा गया है चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं केंद्र सरकार ने सोमवार को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आई झारखंड के नए प्रशासनिक और अकादमिक भवन का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है यह संस्थान हजारीबाग में बरही के पास गोरिया कर्मा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है इस प्रशासनिक और अकादमिक भवन का नाम तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है यहां पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ट्राइबल सब प्रोग्राम के तहत मीठी क्रांति की शुरुआत किस गांव से करेगा ठीक है मीठी क्रांति जो कि मधुपालन से संबंधित एक योजना है राज्य सरकार की तो मीठी क्रांति की शुरुआत किस गांव से करेगा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ट्राइबल सब प्रोग्राम के तहत तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसकी शुरुआत बिरसा कृषि विश्वविद्यालय उलीहातु गाँव से करेगा किस गाँव से उलीहातु गाँव से तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा तो मिठी क्रांति की शुरुआत उलीहातु गाँव से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं आ, यहाँ पर मीठी क्रांति से संबंधित और उलीहा गाँव से संबंधित तो राज्य का सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर जो है वो ट्राइबल सब प्रोग्राम के तहत गोद लिए गाँव उलिहातू में मीठी क्रांति कार्यक्रम की शुरुआत करेगा यह योजना राज्य के 16 जिलों में चलाई जाएगी इसके तहत गांव के लोग को मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बड़े स्तर पर मधुमक्खी पालन करने की योजना है ठीक है तो उलीहातु गांव जो है वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिया हुआ गांव है और यहां पर जो है वो मिठी क्रांति की शुरुआत करेगा ट्राइबल सब प्रोग्राम के तहत बिरसा कृषि विश्वविद्यालय इसका मुख्य उद्देश्य जो है यहां पर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और उन्हें मुख्य धारा से जुड़ना तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर तिरंदाजी के राष्ट्रीय ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट कमेटी में झारखंड के कितने प्रशिक्षकों को शामिल किया गया है ठीक है कितने प्रशिक्षकों को झारखंड के कितने प्रशिक्षकों को शामिल किया गया है तो इसका सही आंसर जो हो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुल चार प्रशिक्षकों को शामिल किया गया है कितने प्रशिक्षकों को चार प्रशिक्षकों को शामिल किया गया है तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए यहाँ पर ये कौन कौन शामिल किए गए हैं वो देख लेते हैं यहाँ पर तो झारखंड के चार ओलंपियन तीरंदाजी रीना कुमारी दूसरे हैं हरेंद्र सिंह तीसरे खेल प्रशासक नेहा महतो और चौथे हैं बेली बोधन वाला जिन्हें तीरंदाजी के राष्ट्रीय ट्राइबल एरिया के डेवलपमेंट कमेटी में शामिल किया गया है तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुल चार तीरंदाजों को शामिल किया गया है अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड से किसे अंतरराष्ट्रीय चेस में फिडे आर्बिटर नियुक्त किया गया है ठीक है झारखंड से किसे अंतरराष्ट्रीय चेस में फिडे आर्बिटर नियुक्त किया गया है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये है चंदन कुमार प्रसाद कौन है चंदन कुमार प्रसाद है जिन्हें की अंतरराष्ट्रीय चेस में फिडे आर्बिटर नियुक्त किया गया है तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये कहाँ के हैं चलिए इनके बारे में पूरे डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं झारखंड के किस जिले से ये बिलोंग करते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चंदन कुमार प्रसाद जमशेदपुर झारखंड से संबंध रखते हैं अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थ्रेटिंग इवेंट में चीफ एवं डिप्टी चीफ आर्बिटर की भूमिका निभा सकते हैं और इनका अंतर्राष्ट्रीय चेस में यहाँ पर जो है वो फिडे आर्बिटर में नियुक्त हुए हैं तो ये है चंदन कुमार प्रसाद है जो कि जमशेदपुर के निवासी हैं तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था झारखंड सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से कितने कीटनाशक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाई जाएगी तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे सत्ताइस कीटनाशक ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार प्रतिबंध लगाने जा रही है तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं यह क्यों इस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है इन सत्ताईस कीटनाशकों पर तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं झारखंड सरकार सत्ताईस कीटनाशकों पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार ने इन कीटनाशकों पर बैन लगाने को लेकर राज्य सरकार से मंतव्य मांगा है करीब छः वर्ष बाद फिर से सत्ताईस वर्षीय कीटनाशकों की सूची तैयार की गई है जिनसे फसलों को कम फायदा और मिट्टी को अधिक नुकसान हो रहा है तो इसके लिए यहाँ पर जो है वो नुकसान हो रहा है फसलों को मिट्टी को इसलिए यहाँ पर जो इसे प्रतिबंधित किया जाएगा फिलहाल झारखंड राज्य के कृषि मंत्री कौन है श्री बादल पत्रलेख हैं जो कि झरमुंडी विधानसभा दुमका से आते हैं चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का यहाँ पर प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे है मनरेगा के तहत काम देने के लिए हर सप्ताह रोजगार दिवस का आयोजन किया जाएगा यह रोजगार दिवस सप्ताह के किस दिन आयोजन किया जाएगा हर सप्ताह में यहाँ पर आयोजन किया जाएगा तो यह किस दिन आयोजन की जाएगी तो आपको कमेंट करके बताना है इन चार ऑप्शन में से चार ऑप्शन है आपके यहाँ पर रविवार गुरुवार या फिर बृहस्पतिवार शनिवार या फिर बुधवार तो किस दिन यहाँ पर रोजगार सप्ताह रोजगार दिवस का आयोजन किया जाएगा सप्ताह में किस दिन तो आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कोशिश करिए इसका सही आंसर कमेंट करने की ठीक है तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की ये महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी जरूर लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और सारे झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन देख सके और आप हमारे यहाँ पर संडे को और जेपीएससी की यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट का आयोजन किया जाएगा ठीक है सुबह साढ़े नौ बजे और शाम के सात बजे तो पेपर वन पेपर टू तो दोनों ही यहाँ पर होंगे और उसके लिए मात्र यहाँ पर आपको ट्वेंटी रुपीज भुगतान करने हैं ठीक है ठीके? और यहाँ पर जो है संडे में संडे को सीजीएल के टेस्ट से जुड़ सकते जुड़ सकते हैं और यहाँ पर जो है वो इसके लिए मात्र आपको यहाँ पर दस रुपये भुगतान करने होंगे भुगतान करने का हमारा जो नंबर है ये नंबर है जिसमें कि आप यहाँ पर फोन पे पेटीएम गूगल पे के माध्यम से यहाँ पर भुगतान कर सकते हैं और उसका स्क्रीन इसी नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं